हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग डेटा प्रॉपर्टी देखेंगे। डेटा प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट और रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ टेक्स्ट नोड एंड कमेंट नोड ऑब्जेक्ट्स। सिंटैक्स का कुछ इस तरीके से है, सेट अगर आपको करना है तो टेक्स्ट नोड लिखिए, डेटा लिखिए, डेटा कीवर्ड है मतलब प्रॉपर्टी है, इक्वल जो भी वैल्यू इसका सेट करना हो ऑफसेट कर सकते हैं। अगर रिटर्न लेना है तो सिंपली टेक्स्ट नोड डॉट डेटा लिखिए, ये आपको रिटर्न करके देगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा टेक्स्ट नोड डॉट डेटा, ये सेट करने का मैंने लिखा हुआ है, इक्वल मैंने लिखा हैलो गीकी सोर्स। एग्जाम्पल में देखते हैं, पहले गेट करते हैं। मान लीजिए कि मुझे इस एलिमेंट का टेक्स्ट नोड का डेटा चाहिए, तो कैसे आप इसको गेट करेंगे? सिंपली आपको इसका पेरेंट लिखना है, पेरेंट जो कि मैंने यहाँ एच पहले से लिख के रखा हुआ है, वेयर एच डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एच लिखना है यानी कि पेरेंट इसका लिखना है, डॉट देना है, देन इसका फर्स्ट चाइल्ड यानी कि वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा फर्स्ट चाइल्ड, उसके बाद आप सिंपली यहाँ लिख दीजिए डेटा, तो आप वहाँ तक पहुँच गए, आपको डेटा दिखाई देगा। लेकिन दिखाई दे उसके लिए आप इसमें कॉन्सोल लॉग या फिर वेब पेज बोल रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट या फिर कॉन्सोल लॉग कर सकते हैं। कॉन्सोल लॉग कर ही कर लेते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग आपको दिखाई दे देगा। सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके हेलो गीकी सोर्स, इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो आपको ये एक लाइन में दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप गेट कर सकते हैं। अब अगर आपको इसको कहीं सेव करना है, मतलब ये गेट करके रिटर्न करता है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं एज अ गेट डेटा, लिख देता हूँ मैं यहाँ गेट डेटा। तो इस तरीके से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसको आप चाहें तो कॉन्सोल लॉग कर लीजिए, कॉन्सोल लॉग गेट डेटा। सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो भी आपको वो डेटा दिखाई देगा। ओके सो ये क्या करता है, ये इस तरीके से एक्सेस करना है, आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, उस टेक्स्ट नोड तक पहुँचना पड़ेगा, देन उस टेक्स्ट नोड में डेटा प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं अपने आप को कि वो इसी पर लगा देते हैं। देखिए इस पर नहीं लगाना, आपको ये डोम है, यहाँ ट्री के हिसाब से सारा काम करना पड़ता है। आपको उस टेक्स्ट नोड में जाना पड़ेगा, देन डेटा प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको उसका डेटा मिलेगा। ओके सो ये रिटर्न करेगा डेटा जो कि आएगा गेट डेटा में, देन गेट डेटा का आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर डेटा आपको सेट करना है तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, हम लोग टेक्स्ट नोड तक हैं, टेक्स्ट नोड में डेटा इक्वल, यहाँ आपको जो भी सेट करना है वह लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम न्यू डेटा, सेव कर दिया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो यहाँ ये चेंज होकर आपको दिखाई देगा आई एम न्यू डेटा, बिकॉज एच फर्स्ट डेटा में पहले तो ये था लेकिन अभी आपने सेट कर दिया तो अब आई एम न्यू डेटा आ गया, जो कि आपको वेब पेज में दिखाई देता है। कॉन्सोल लॉग करेंगे तो आप इसको कॉन्सोल लॉग भी करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग एच डॉट फर्स्ट चाइल्ड, और सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, देखिए आई एम न्यू डेटा दिखाई दे रहा है। बस यही है डेटा, डेटा का यूज़ करके आप टेक्स्ट नोड या फिर कमेंट नोड में डेटा सेट कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।